हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ मैं कपड़े फोल्ड करने बैठ गई हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा दिनों से पेंडिंग काम पड़ा हुआ था और आज इसका मुहूर्त निकल गया है। तो पर मैंने दोपहर से मैंने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि ब्लॉगिंग आज कर लेनी चाहिए थी। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी दो काम और बचे हुए हैं, दो से तीन काम। तो मैंने शाम इवनिंग से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हुआ है। और ये मेरी सूट मम्मी ने दिया था, जिसका गला बहुत छोटा हो गया है। तो कह रही थी कि गला बहुत छोटा कर दी और तुमको बड़ा करना चाहिए था। मैंने कहा चलिए घर में ही पहनना है, छोटा गला सेफ रहता है और बड़े गले की कोई बात नहीं है। और बाज़ार से एक मैं सूट लेके आई थी, मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो उसका भी गला बहुत छोटा है। तो ये देखिए ये वाला, तो अब इसका गला बहुत छोटा है, लेकिन ये मार्केट का है। तो अब क्या कर सकती हूँ मैं, वापस करने नहीं गई मैं। काफ़ी दिनों के बाद जब मैंने यूज़ किया तो देखा इसका गला बहुत छोटा है, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, पहनना पड़ेगा मुझे। तो वही है, जब घर पे सिलिए तो बहुत सारे उसमें वो निकलते हैं और बाहर से ले आइए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे कपड़े मेरे फोल्ड हो चुके हैं और सभी कपड़ों की अलग अलग मैंने वो कर दी है। और ये सारे कपड़े हैं सिलने वाले, जो सिलने के लिए देना है और कुछ खुद से सिलना है। तो देखती हूँ मैं कब कर पाती हूँ। और ये सारे हैं, ये सूट है मेरा बुलन का, जो मैं पिछली ठंडक में लाई थी और अभी तक नहीं सिल पाई। तो अब क्या सिलूँगा। और ये मैं पिछली ठंडक में लाई थी, इसकी भी कटिंग हो चुकी है और इसकी कटिंग मैंने शेयर की थी अपने वीडियो में, जो पुराने व्यूज़ होंगे उनको पता होगा। तो अभी चलिए यहाँ पे कपड़े मैं धुलने के लिए डाल दे रही हूँ, कुछ कपड़े हैं। और मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है ताकि आपको वीडियो बोरिंग ना लगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और ये मेरा वीडियो है, एम वीडियो कह रही हूँ, ये मेरा पॉकेट मैंने बनाया था घर पे। और इस पे जीन्स के कपड़े पे मैंने एक ऐसे चेक का कपड़ा था मेरे पास, वो लगा के मैंने पॉकेट बना दिया, जिसमें कुछ भी आप कैंची रख लीजिए, कोम रख लीजिए, या फेस वॉश या कुछ भी ऐसी चीज़ें रख लीजिए जो आपको इजी वे में मिल जाए। तो वो यहाँ पे बनाई हूँ मैं इसको। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद से मैं बाहर आ गई, थोड़ी पसीना हो रहा है, लेकिन अब थोड़े से ठंडाऊँगी मैं, मतलब एसी वाले कमरे में जाऊँगी, थोड़ी सी ठंडी हो जाऊँगी तो फिर मैं लगूँगी काम पे। और थोड़ी सी क्या 5 मिनट का वो रहता है। उसके बाद से ये मेरा डाइनिंग एरिया है, तो वो छोटा सा यहाँ पर मैंने मेज रखा हुआ है और चेयर लगा दी है प्लास्टिक का, जिस पर हम लोग थोड़ा सा ईजी हो जाता है खाना और जो भी है। और ये सारे मेरे प्लांट हैं जो मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से अपडेट देने के लिए, तो अभी दे रही हूँ। पता नहीं कौन सा प्लांट है, मम्मी ने दिया था और इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो हमने कहा कि दिखाना तो बनता ही है। और ये मेरे पर्पल कोई सोदार पौधे हैं, इसका नाम मुझे नहीं पता है। तो और ये मेरे गुलाब हैं, जो इस बार ही बहुत सुंदर सुंदर गुलाब दे रहे हैं, क्योंकि मैं तीसरी बार ये गुलाब खरीद के लाई हूँ और ये जो है अब मुझे ये मेरे मनपसंद जैसा दे रहे हैं। तो काफ़ी कलियाँ निकली हुई हैं इसमें, तो देख के बहुत ही खुशी मिलती है। सुबह शाम मैं टहलने आती हूँ इसमें। और ये इजी ग्रो है, इसका भी नाम मुझे नहीं पता। इसमें पर्पल कलर के फूल निकले हुए हैं और बहुत ही तेज़ी से लग जाते हैं, फटाक से कहीं भी फेंक दीजिए। और ये है सृष्टि, जो अभी तक सो रही है, अब कब से उठा रही हूँ मैं, तो अब उठेगी वो, तो फिर उसको कुछ ना कुछ चाहिए। और ये मिस्टी है, तो मिस्टी को जैसे पता चलता कैमरा ऑन है, एग्जिट हो जाती है वहाँ से। और इसके बाद से ये है खिचड़ी, 3 बजे के लगभग हस्बैंड बनाए थे और अब जा रही हूँ इसको खाली करके वो उसमें आलू चढ़ाने, क्योंकि मिस्टी को बनाना है डोसा। सुबह भी इसने बनाया हुआ था, ख़त्म हो चुका था, थोड़े से चोखे बचे हुए थे, तो उसने कहा कि थोड़ा आलू और बॉयल कर दीजिए ताकि हो जाए। तो मैं आलू रख दूँगी यहाँ पे, और आलू मैंने रख दिया है। इसके बाद से चलती हूँ मंदिर की तरफ, मंदिर की सफाई करने। तो देख लीजिए ये मेरा मंदिर है, जो काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये है। तो अब मैं पहले का दिखा दे रही हूँ, उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ मैंने साफ़ कर दी, एक एक चीज़ मैंने साफ़ करी, सब डस्टिंग मैंने, एक एक चीज़ मैंने क्लीन किया है, अच्छे से बर्तन वगैरह सब कुछ धुल दिया है, और इनके कपड़े उपड़े सब चमका दिए हैं, सारे कुछ झाड़ झाड़ के सब फिर से मैंने चेंज नहीं किया, कुछ भी बदला नहीं है, लेकिन वही सारी चीज़ें हमने वो कर दी हैं। लेकिन अब मैं बदलूँगी, तो किसी दिन मैं बदलूँगी, जैसे कुछ लोग डेली पे में बदलते हैं, तो मैं डेली नहीं बदलती हूँ, तो बस ऐसे ही रहता है मेरा पूजा घर। लेकिन किसी दिन मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सजाऊँगी, थोड़ा से चल रहे दिमाग में, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है।
यहाँ मैंने दिया जला दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा मैं मंत्र पढ़ती हूँ। ओम गजानन भूतगणादि सेवितम कपितजम्बुफलचारु भक्षणम उमाशतशोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरी पाद पंकजम। तो ये गणेश भगवान जी का श्लोक है जो मैं सुबह भी पढ़ती हूँ, शाम को भी पढ़ती हूँ, तो जिससे मेरे सारे काम अच्छे हो। और काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग लेके आई हूँ, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा। तो अब मैं फिर कमरे में आ चुकी हूँ और यहाँ पे थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी यहाँ पे, और उसके बाद से फिर मिस्ट्री से मैंने कहा कि थोड़ा मुझे चाय दे दो। तो सृष्टि लेके आई लस्सी अपना, और ये घर का जमा हुआ दही है, तो उसने कहा थोड़ा टेस्ट करके बताओ कैसा बना हुआ है, तो मैं थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ। वैसे मुझे तो चाय चाहिए थी, तो टेस्ट किया मैंने, उसके बाद से चाय आ गई। तो मिस्ट्री ने बना के दिया चाय, और मैं एक मठरी खाऊंगी और चाय, उसके बाद से फिर बाकी जो भी करना होगा करूंगी। तो आज मैंने बहुत सारा काम किया, लेकिन ब्लॉगिंग लेट में मैंने शुरू किया, तो कोई बात नहीं, इसको माइंड मत करिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और ये है डोसा का बैटर और ये है चोखा, 8 बजे के लगभग समय हो रहा है, तो बनेगा डोसा, खाऊंगी डोसा। फ्रेंड्स, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, 7:10 हो रहा है, और मिस्ट्री डोसा बनाने की तैयारी कर दी है, और मैं मंदिर मंदिर सफाई करके हर एक चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। जो मैंने सोचा था जितना आज मुझे काम करना था उतना मैंने काम किया है। जैसे कि जब मैं उठी हूँ, आज लेट से उठी हुई थी, तो पूरे घर में झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, और बहुत सारे काम ख़त्म करने के बाद से उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। कि सडनली याद आया कि अब ब्लॉगिंग के समय में इनके साथ, तो ये मैं नोच पिन लेके आई कल, और जो मुझे 1950 रुपये का पड़ा, और उसके बाद से मैं एक बिछे लेके आई थी, तो मैं दिखाऊंगी जब मैं वापस करने जाऊंगी। वो दोनों बिछे इतनी जल्दीबाजी में हम लोगों ने लिया, दोनों बिछे दो तरह का आ गया है, तो उसको वापस करने जाना है। और जब मैं जाऊंगी तो एक मतलब हस्बैंड के ऊपर मैं गुस्सा कर रही थी, क्योंकि वो पूरा दिन बर्बाद करके शाम के 7 बजे वो मेरे साथ गए थे ये खरीदने, और मुझे गुस्सा ही आ रहा था कि अब मैं नहीं जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये है शादी, मेरे पड़ोस में शादी है और सामने भी शादी है, बहुत जगहों पे शादी है। तो रात हो चुका है और मैं सबकी क्लिपिंग ले रही थी, और बहुत ठंड थी छत पे, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और मैं थोड़ा सा रात में अच्छा लग रहा था, यहाँ पे डांस कर रही थी कुछ महिलाएँ, गाना मैंने म्यूट कर दिया है ताकि कॉपीराइट ना आ जाए, तो आप लोग भी देख लीजिए, काफ़ी लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, और मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड मैं नीचे आ गई, और नीचे मिस्सी ने कहा डोसा तैयार करती हूँ, मैंने कहा हाँ कर दो, और हस्बैंड गए हैं दावत में, तो हम लोग ही खाएंगे यहाँ पे ये डोसा और चटनी, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काश मैं आप लोगों को खिला सकती। तो चलिए, मेरे चैनल पे जो पहली बार है मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो जैसा कि मैं बता रही थी, काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट, ये मंडे की वीडियो है, तो थोड़ा सा लेट एडिटिंग हुआ है, और अब जा रहा है ये शनिवार के शाम को ये जाएगा, तो देखती हूँ मैं कितने व्यूज़ आते हैं। फ्रेंड्स, अभी लाइट आई है और 10:10 मतलब 10:10 बाकी है तब लाइट आई है, तो हम लोग सीरियल वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग। अनुपमा सीरियल काफ़ी अच्छा आता है, तो अब देखेंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो मेरे चैनल पर पहली बार में, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ढेर सारे लाइक।